भारत माता की। क्यों भाई, बहरामपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज से बोलते हैं? नवीन बाबू की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ओडिशा में भाजपा सरकार बनाने का संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे परम मित्र और केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे साथ मेरी टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ओडिशा के दिग्गज नेता श्रीमान वैजयंत पांडा जी, यहां के लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमान भृगु बक्सी पात्रा जी, आगे आओ भृगु भाई, इस ओर खड़े रह जाओ। कोरापुट लोकसभा के उम्मीदवार श्री जयराम जी, श्री शिशिर गोमांगो जी, श्री मनोरंजन जी, श्री प्रशांत मलिक जी, श्री के नारायण राव जी, यहां जाओ। श्री गिरधर गोमांग जी, भाई गिरधर बाबू के लिए जरा जोर से ताली बजाओ एक बार सब लोग। श्री गिरधर गोमांग जी, और आज ये विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज हमारे साथ मंच पर ओडिशा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दामोदर राव जी भी है। मैं दामोदर राव जी को एक ही बार मिला हूं, पूरे हिंदुस्तान में जो अनुभव सिद्ध राजनेता होते हैं ऐसे वरिष्ठ नेता दामोदर राव जी भी आज हमारे साथ हैं। मित्रों, आज बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैं आया हूं तो आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 1 अप्रैल के दिन पर मैं यहां आया हूं। ये 1 अप्रैल उत्कल दिवस है। आज के ही दिन पूरे देश में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कहीं पर बना तो हमारा उत्कल राज्य ओडिशा राज्य की रचना हुई। सालों तक उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी, उत्कल मणि गोपाल बंधु जी, सत्यवादी के पंचासरा जी, गंगाधर मोहन जी, मालती देवी जी, अन्नपूर्णा देवी जी, ये सब के प्रयास से उत्कल भाषा और उत्कल राज्य की रचना हुई थी। मगर आज 19 साल हो गए, 19 साल उड़िया वासियों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नवीन बाबू पढ़े बगैर उड़िया भाषा नहीं बोल सकते हैं। मैं आज उत्कल दिन के दिन समग्र उत्कल जनता को, ओडिया वासियों को अपील करने आया हूं, बहुत समय से लिया है, एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनिए जो आपकी भाषा में आपसे बात कर सके, एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनिए
जो आपकी भाषा में आपके दुखों को समझ सके। एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनिए जो आपकी भाषा में आपके दर्द को समझ सके। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ओडिशा के मुख्यमंत्री को ओडिया भाषा आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? जोर से बोलो, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आज इस सभा में से जाने के बाद, चाहे यहां उड़िया बोलने वाले हो चाहे तेलुगु बोलने वाले हो, एक संकल्प लेकर जाए, ये अंग्रेजी वाले नहीं चलेंगे। चलेंगे अंग्रेजी वाले? जरा जोर से बोलो, चलेंगे क्या मित्रों? 1919 साल तक यहां पर शासन किया, परंतु 19 साल में उड़ीसा के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मित्रों आज ये जो चुनाव आगे आ रहा है, वो चुनाव देश और उड़ीसा दोनों का भाग्य तय करने वाला चुनाव है। मित्रों आज ये चुनाव जो आ रहा है, वो देश में किसकी सरकार होगी, भुवनेश्वर में किसकी सरकार होगी, ये तय करने वाला चुनाव है। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक घूमता हूं, जहां भी जाता हूं पूछता हूं, भैया किसकी सरकार बनेगी? सब जगह एक ही जवाब आता है, मोदी 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 मोदी। भाषाएं बदलती है, प्रदेश बदलता है, मगर मोदी का नाम नहीं बदलता है। देश भर में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग तैयार हैं। मगर मित्रों महाराष्ट्र वालों की बात अलग है, गुजरात वालों की बात अलग है, उत्तर प्रदेश वालों की बात अलग है। यहां पर आपने दो फैसले करने हैं, एक नवीन बाबू की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनानी है। मुझे बताओ ये दोनों चीजों के लिए आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? जरा जोर से बोलो, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मित्रों मैं ज्यादा लंबा कहना नहीं चाहता, मैं सुबह एक कार्यक्रम करके आया जो मेरा नहीं था, इसके कारण थोड़ा लेट हो गया हूं, परंतु मैं कहना चाहता हूं 1919 साल सरकार चलाई है। अभी परसों ही मैं सूरत जाकर आया, सूरत में मेरी सभा में 30,000 उड़िया भाई बहन थे, 30,000 कितने थे बोलो भैया? गुजरात वालों के लिए तो अच्छा है, सूरत में जो ओडिया वासी रहते हैं हमें ही वोट देते हैं, मगर आप क्यों खुश हो रहे हो? जो युवा सूरत के अंदर रह रहा है, अपना पसीना बहाकर गुजरात का विकास कर रहा है, देश का विकास कर रहा है, वो युवा को यहां से क्यों जाना पड़ता है? वो अपनी पत्नी के साथ ओडिशा में रहकर रोजगारी क्यों नहीं प्राप्त करता है? वो अपने बूढ़े मां बाप के साथ रहकर अपने मां बाप की सेवा क्यों नहीं कर सकता है? मित्रों मैं आपको बताने आया हूं, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम ऐसे ओडिशा की रचना करेंगे, ओडिशा के अंदर हर युवा को नौकरी के लिए गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, यहीं अपने गांव में रोजगारी मिलेगी। 1919 साल तक शासन करने के बाद नवीन बाबू ऐसा कैसा शासन किया आपने कि ओडिशा का व्यक्ति वहां जाकर, ओडिशा का व्यक्ति वहां जाकर अपने पेट का पालन करना पड़ता है, ओडिशा में नहीं कर सकता है। मित्रों ओडिशा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ढेर सारे कार्यक्रम हुए, ढेर सारे विकास हुए, मैं बताऊंगा बाद में, मगर नवीन बाबू ने जिस प्रकार से यहां पर सौतेला व्यवहार पश्चिम और मध्य ओडिशा के साथ किया है, इस बार
इसका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। मित्रों, उड़ीसा के अंदर भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही नहीं करता, इतना भ्रष्टाचार चला है। इनके चहेते अफसर कलेक्टर के पास से उगाही करते हैं, एसपी के साथ से उगाही करते हैं, जनता के पास से उगाही करते हैं, कमीशन लेते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार भी सलामत नहीं रहा। मित्रों, महाप्रभु का रत्न भंडार भी, जो महाप्रभु के रत्न भंडार को हजारों हजारों सालों से देश भर के महाप्रभु के भक्तों ने भरा, वो रत्न भंडार का हिसाब किताब भी ठीक नहीं है। और नवीन बाबू को लगता है कि रुपये पैसों का मामला है। अरे नवीन बाबू, ये रुपये पैसों का मामला नहीं है, ये महाप्रभु का रत्न भंडार मेरे ओडिशा की लक्ष्मी है, ओडिशा का संपत्ति है, ओडिशा का समृद्धि है। आपने इस पर इसको सलामत नहीं रखा है। मित्रों, बीजेडी इतने लंबे समय से यहां पर शासन कर रही है, आदिवासी वन समुदाय के लोगों को अपने कागजात नहीं दे पाई, महेंद्र तनिया और बंसधरा नदी की परियोजनाएं पूरी नहीं कर पाई, रायगढ़ से लेकर परलाखेड़ मुंडी तक सिंचाई की कोई योजना पूरी नहीं कर पाई। और इसके अलावे मित्रों, गजपति जिले में जनजाति समुदाय के विरासत के संरक्षण के लिए भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज भी सबसे कम शुद्ध पीने का पानी अगर घर में पहुंचाया है तो देश भर में सबसे कम उड़ीसा के अंदर पहुंचाया है। अस्पताल में डॉक्टर है क्या? जरा जोर से बोलो, डॉक्टर है? घर में 24 घंटा बिजली आती है? शुद्ध पीने का पानी आता है? गांव के अंदर गलियां बनी है? सब में ना 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 कर रहे हो, तो नवीन बाबू आपने किया क्या है? आपने भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये राहुल बाबा आजकल यहां पर्यटन करने आते हैं ओडिशा में के अंदर, उनकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक चली, 13वां वित्त आयोग आया, 13वें वित्त आयोग के अंदर ओडिशा को राहुल बाबा की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 80,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था युवाओं, बोलो जरा जोर से बोलो, कितना? और नरेंद्र मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 80,000 से बढ़ाकर 5,56,565 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, रेलवे के लिए 43,000 करोड़ रुपया, बलागीर बिचुपाली, झारसुगुड़ा विजनगरम, संबलपुर अंगुल, 3 बड़ी बड़ी लाइनें चालू कराई। जलमार्ग के लिए 2,000 रुपया, IISCR के लिए 1,600 करोड़ रुपया, अमृत योजना के लिए 1,590 करोड़ रुपया और सागरमाला प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ रुपया और देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। धर्मेंद्र भाई यहां बैठे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मोदी सरकार ने गैस का चूल्हा देने का काम किया है। सिर्फ ओडिशा के अंदर 48,00,000 गरीब माताओं बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का चूल्हा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, देश भर के चला गया। मित्रों, ओडिशा को एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए?
जोर से बोलो चाहिए या नहीं चाहिए। ओडिशा को विकास के रास्ते पर ले जाए ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। मित्रों ढेर सारे प्रकल्प नरेंद्र मोदी जी यहां पर लेकर आए हैं। मित्रों मोदी जी ने, मैंने कहा इस तरह से लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया भेजा है, मगर आपके गांव तक कुछ पहुंचा है भाई? जरा बोलो 5.5 लाख करोड़ आपके गांव तक पहुंचे है क्या? पहुंचे है क्या? ये सारी योजनाएं आपके गांव तक नहीं पहुंचती, इसलिए नहीं पहुंचती कि बीच में नवीन बाबू के अफसर इस पर अपनी चपट लगा देते हैं। अगर ये व्यवस्था बदलनी है तो आपको मोदी जी और यहां भाजपा का मुख्यमंत्री डबल इंजन वाली ट्रेन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, डबल इंजन वाली। नरेंद्र मोदी है, मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है। उन्होंने सेना खड़ी कर दी, मोदी जी ने विमान भेजकर एयरफोर्स भेजकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सारा विपक्ष आज समाज में किसान नारा है, पाकिस्तान के तरफ में मोकरा है। मित्रों मुझे जवाब दीजिए, आतंकवाद को मुंह पर जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आतंकवाद को मुंह पर जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? पाकिस्तान को मुंह पर जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? इमरान बाबा के गुरु है शांति चोरा जी, वो कह रहे बातचीत करो बातचीत करो। अरे पिछड़ा जी आपकी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, हमारी पार्टी की पॉलिसी ये है कि आतंकवादी भूमि चलाएंगे, हम गोला चलाकर उसका जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया है नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो 24 घंटों में से 18 घंटे इस देश के गरीबों के लिए काम करता। हमने एक पारदर्शी प्रधानमंत्री दिया है, एक प्रमाणित प्रधानमंत्री दिया है, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री दिया है, एक देश के घोड़ों को ऊपर उठाने वाला प्रधानमंत्री दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत के घोड़ों को बढ़ाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दो हाथ होकर एक निवेदन करना, इस बार आप धोती मत करना। 19 साल से नवीन बाबू की यहां पर सरकार चल रही है, 19 साल से ओडिशा का विकास नहीं हुआ। आपने कांग्रेस को सालों का विनाश करने का मौका दिया, बीजू जनता दल को सालों का 19 साल तक विनाश करने का मौका दिया, विकास हुआ है क्या? एक मौका भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहां ला दीजिए, हम 5 साल में उड़ीसा को देश का नंबर एक राज्य बनाकर दिखाएंगे। मुझे बताओ उड़ीसा में इस बार सरकार बदलोगे क्या? जो उड़ीसा में सरकार बदलोगे नहीं है, मूल समेत उठाकर कर फेंक देंगे सरकार को। नवीन बाबू उठाकर फेंक देंगे, जो उठाकर फेंक देंगे। मोदी जी की सरकार बनाने के लिए तो दोनों काम कैसे होंगे?